हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे। ये पैटर्न आज मैं लेकर आई हूँ जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये देखिए, इस तरह से ये पैटर्न दिखता है फ्रंट साइड से और रॉन्ग साइड से इस तरह से दिखता है। ये पैटर्न केवल 6 सिलाई का पैटर्न है। और ये देखिए, इसके लिए हमें फंदे चाहिए। 4 के मल्टीपल में 3 फंदे ऐड करने हैं। ये देखिए, 3 फंदे ये हैं, 1 फंदा ये है, तो ये 4 4 4 4 ऐसे करके हमें फंदे डालने हैं। लास्ट में हमें 3 फंदे रखने हैं। तो यू नीड टू कास्ट ऑन मल्टीपल्स ऑफ 4+3 स्टिचेस फॉर दिस पैटर्न, एंड दिस पैटर्न इज़ ओनली 6 रोज रिपीट पैटर्न। ये देखिए, और आप किसी भी स्वेटर में इसे बनाएंगे, ये बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ईजी है। बिगनर्स ईजीली बना सकते हैं। ये देखिए, जेंट्स हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर में बहुत अच्छा लगेगा, लेडीज़ कार्डिगन वगैरह में बहुत ही प्यारा लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 15 स्टिचेस लिए हैं, 4+4+4 3 × 4, तो ये हुए 12, और +3 तो ये हो गए 15। तो 15 स्टिचेस मैंने यहाँ पर लिए हैं, और ये राइट साइड है, और यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। फर्स्ट स्टिच चाहे तो आप स्लिप कर ले और चाहे बुन ले, तो मैं यहाँ पर इस तरह से स्लिप कर रही हूँ पर्ल वाइज। और एक फंदा ये हो गया और 2 फंदे और ये उल्टे बुनेंगे। ये हमारे 3 फंदे हो गए। धागा आगे कर पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये 4 फंदे हैं, यही 4 फंदे इसमें आगे रिपीट हो गए। दैट्स द रिपीट पैटर्न। 3 फंदे उल्टे, पर्ल 3, नीट 1, पर्ल 3, 2 3, नीट 1। धागा आगे करेंगे और लास्ट में भी हमारे पास 3 फंदे हैं, ये तीनों हम उल्टे बुनेंगे। तो पहली सिलाई हमारी ये पूरी हो गई है। रॉन्ग साइड पर दूसरी सिलाई, जो जैसा दिखेगा वैसा ही बुनेंगे। 3 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा, 3 सीधे, एक फंदा उल्टा, नीट 3, पर्ल 1, नीट 3, पर्ल 1, नीट 3, पर्ल 1, एंड लास्ट नीट 3, रो 3 ऑन राइट साइड। ये तीनों फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे, एक मैंने स्लिप कर लिया, ये 2 उल्टे बुनेंगे, तो ये 3 हो गए। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, 1 2, इसके सेकंड होल में यहाँ पर सिलाई डालेंगे इस वाले फंदे के, और यहाँ से एक लूप ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा लूज इस तरह से, और ये फंदा सीधा बुनेंगे। अगेन वहीं से एक लूप ड्रॉ करेंगे और इसे भी इतना ही लूज रखेंगे। धागा आगे करेंगे, ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल 3, यार्न इन बैक, ड्रॉ लूप, यहाँ से फ्रॉम हियर, यहाँ से सेकंड वाले होल से एक लूप ड्रॉ करेंगे, और ये फंदा सीधा बुनेंगे, और फिर से एक लूप ड्रॉ करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, फिर से यहाँ से एक लूप ड्रॉ करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से एक लूप ड्रॉ करेंगे, धागा आगे करके ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 3 सिलाई हमारी पूरी हो गई है। रो 4 ऑन रॉन्ग साइड, तीनों फंदे सीधे बुनेंगे, 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे करेंगे, जो हमने लूप ड्रॉ किया है वो स्लिप करेंगे, और जो फंदा बुना है वो फंदा हम उल्टा बुनेंगे, और फिर से ये वाला फंदा, ये लूप वाला फंदा ये स्लिप कर लेंगे। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, नीट 3, धागा आगे, ये लूप हम स्लिप करेंगे, ये फंदा उल्टा बुनेंगे, ये लूप स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे, धागा आगे, ये स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से ये स्लिप करेंगे, धागा पीछे, लास्ट में 3 फंदे सीधे बुनेंगे।
चार सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, रो फाइव ऑन राइट साइड। अब यहाँ पर हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक मैंने स्लिप कर लिया, एक ये मैंने बुन लिया, धागा पीछे करेंगे, ये जो लूप है इसके साथ ये वाला फंदा इस तरह से बुन देंगे, इन दो का एक बना देंगे, दो का एक बना दिया, ये सीधा बुनेंगे। अब इनको इस तरह से पलट कर ये वाला फंदा भी और ये वाला फंदा भी, इन दो को एक साथ इस तरह से बुन देंगे, धागा आगे करेंगे। अब ये बीच वाला फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये वाला फंदा इस वाले लूप के साथ बुन देंगे, दो का एक बना दिया, ये सीधा बुनेंगे, ये स्लिप करेंगे दोनों और दोनों को एक साथ बुन देंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, या इन दो का एक बनाएंगे इस तरह से। ये हमारी पांचवी सिलाई है और ये फंदा सीधा बुनेंगे और ये स्लिप करेंगे, ये स्लिप करेंगे, दोनों को एक साथ इस तरह से बुन देंगे, धागा आगे करेंगे, ये दो फंदे लास्ट में उल्टे बुनेंगे। पांच सिलाई हमारी हो गई है। देखिए अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड पर, ये पूरी सिलाई हमारी सीधी सीधी आएगी, इधर से सारे फंदे सीधे बुनेंगे। ये सारे फंदे सीधे बुनेंगे और ये लास्ट रो है इस पैटर्न की, तो यही छह सिलाई हमें रिपीट करनी है बार बार। नीट ऑल स्टिचेस फॉर दिस रो, सिक्स्थ रो। ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न ये बनकर आएगा। तो जब आप ये छह सिलाई बार बार रिपीट करेंगे तो आपका पैटर्न ये इस तरह से लगेगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और हमारा समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। यदि पैटर्न अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।